Good morning all. So today we will start with our political science batch. उसमें क्या करना है पहले मैं ये आपको information बता देता हूँ majorly. Because बाद में क्या होता है हम लोगों ने notes ठीक से बनाए नहीं होते हैं फिर हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं उसके बाद हम लोग इससे ढूंढ रहे हैं उससे ढूंढ रहे हैं या क्या करूँ बार बार मेरा सर खाओगे तो इसलिए अभी से बताता हूँ कि हो सके तो ऐसी नोटबुक ले लो जो पूरी ब्लैंक हो और ये इतनी पतली पतली मत लो कम से कम 300 पेजेस की लो ठीक है अभी जिसने ले लिए वो वैसे ही चलो बिकॉज अपने को ऐसे कम से कम 4 से 5 नोटबुक्स भरनी है जो 300-300 पेजेस की होंगी रोज़ लिख लिख के ठीक है तो वो एक ज़रूरी है और उसमें भी क्या करना है बिकॉज बाद में आपको इन नोट्स को रिवाइज करना है इसी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ठीक है तो समझो मैं कोई चीज़ वगैरह बता रहा हूँ वो आपको अगर ज़रूरत है मतलब आपको लग रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को भी साइड में लिखने के लिए जगह चाहिए तो आई वुड से 1/3 पार्ट जो है उसको हर बार लेफ्ट में छोड़ दिया करो 1/3 पार्ट ऑलमोस्ट इतना पार्ट वो आप डिसाइड करो कहाँ पे छोड़ना है थोड़ा बहुत ऊपर के लिए छोड़ो थोड़ा बहुत नीचे के लिए छोड़ो इसलिए मैंने कल एक पेज आपको भेजा था ग्रुप पे वैसे पेज वाले नोटबुक में अगर लिखोगे तो थोड़ा और ईजी हो जाता है बट इट्स ओके किसी को यू कैन फाइंड दैट इन वेदांत वेदांत वाला जो जेरोक्स वाला है वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी मिल जाएगा इधर भी अगर बोलो उसको तो ऐसा मिल जाएगा एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो सिंपल कुछ लोगों ने जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसा वाला मेथड है कि आप अपने हिसाब से ही लाइन ड्रॉ करो बिकॉज उसकी लाइन कैसा होगा उन्होंने ड्रॉ की हुई है ना उन्होंने ड्रॉ की यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो इससे बेटर तुम लोग क्या कर सकते हो कि इतना जो है पार्ट वो हर बार छोड़ते जाओ कि ये तुम्हारे सेल्फ नोट्स के लिए समझो ये जो पैराग्राफ होगा उसका क्रक्स आप लोग यहाँ पे लिख लोगे कोई डायग्राम वगैरह बनानी आपको यहाँ पे बन जाएगी और कुछ समझो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है वो यहाँ पे हो जाएगा सी वाई आई एम गिविंग एम्फेसिस ऑन नोट्स मेकिंग बिकॉज अगर प्रॉपर नोट्स नहीं रहे तो बाद में बहुत तकलीफ होती है समझ में आ रहा है तो इसलिए और समझो आप लोग किसी एक लेक्चर के लिए बाय सम अनफॉर्चुनेट रीजन यू आर एबसेंट तो उसको फटाक से आने वाले 1-2 दिन में कंप्लीट कर लो नोट्स ताकि आप लोग बाद में एकदम बर्डन ना पड़ जाए कि ये रह गया है वो रह गया है तो ऐसे मेरे कुछ बेसिक सुझाव है नोट्स मेकिंग के लिए ठीक है और एक हाँ कुछ लोग आप में से मराठी में प्रिपेयर कर रहे होंगे कितने लोग कहे मराठी प्रिपेयर करना रहे ओके सो यू हैव अ स्ट्रेट अवे सजेशन 1/3 नहीं तुमको सीधा हाफ पेज छोड़ना है और उसमें भी या तो तुम लोग हाफ पेज छोड़ सकते हो बिकॉज तुमको मराठी में उसको बाद में ट्रांसलेट करना होगा और अदरवाइज तुम लोग क्या कर सकते हो जैसे एक मेरी स्टूडेंट ने किया था स्नेहल पाटिल ने सो ये वाला पेज पूरा इंग्लिश में ये वाला पेज पूरा मराठी में तो एवरी अल्टरनेट पेज तुम लोग करते रहोगे कि इस वाले पेज पे हर बार सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हो जो मैं नोट्स डिक्टेट करवा रहा हूँ उसके बाद में तुम लोग इधर मराठी में जो कुछ तुम्हारे छोटे मोटे वर्ड्स चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हो सो वॉट एवर टेक्निक दैट सूट्स यू ओके ठीक है अभी सिलेबस कितने लोग लेके आए तो आज अपना पहला टास्क है बिकॉज जब तक आप सिलेबस खुद के हाथों से लिखते नहीं हो तब तक हम लोग कोई भी चीज़ शुरू नहीं कर सकते मैंने GS2 में भी एक्चुअली तुमको बोला था लिख के लेके आने के लिए तो सेम काम हम लोग अभी करेंगे सिलेबस पूरा का पूरा लिख लेंगे और अपना सिलेबस थोड़ा उन लोगों ने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया तो हम लोग उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिख लेंगे आर यू विद मी ठीक है सो लेट्स स्टार्ट तो सबको पता ही है तो तुम्हारा जो कुछ लिखना है तुमको ओम वगैरह वगैरह सबको पता है हम लोग अपने पेपर को कैसे डिवाइड करते हैं यस सो अपना अगर पेपर है पॉलिटिकल साइंस का सो उसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे 1 इज पेपर 1 एंड 2 इज पेपर 2
उसमें दो पार्ट्स है, अगेन पार्ट ए एंड पार्ट बी, अगेन पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये वाला जो पार्ट है दिस इज पॉलिटिकल थियरी, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसको बोलते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ऐसे अपने सिलेबस को ब्रॉडली हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट लिखो, पेपर वन पार्ट ए। उसमें सबसे पहले लिखो हेडिंग पॉलिटिकल थियरी। अब ये पॉलिटिकल थियरी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा वापस से पॉलिटिकल थियरी, कोलन लगा के आके लिखो, मीनिंग एंड अप्रोचेस, मीनिंग्स एंड अप्रोचेस। सेकेंड पॉइंट, थियरीज ऑफ स्टेट, थियरीज ऑफ स्टेट। कोलन लगा के आगे कौन कौन सी थियरीज है। तो सपोज आपने ऐसे लिखा है थियरीज ऑफ स्टेट, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट या तो ऐसे ए लिख लो, ए बी सी डी, इसके नीचे लिखना। सो ए इज लिबरल, बी नियो लिबरल, सी मार्क्सिस्ट, डी प्लूरलिस्ट, अगला पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, एंड लास्ट वन फेमिनिस्ट। ऐसे लिखना था वो। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, जस्टिस। उसमें पूरा एक ही लाइन में आएगा, कोलन लगा के लिखो, कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस, कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू, विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स, बोर्ड पे देख लो, रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, एंड इट्स कम्युनिटेरियन, फोर्थ पॉइंट है इक्वालिटी, फोर्थ पॉइंट है इक्वालिटी, कोलन लगा के लिखो, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी में ही अगर हो सके तो उसके नीचे जाके लिखो ऐसे, ये तो सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल हो गया, अब इसी में रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, नेक्स्ट पॉइंट इसका, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। एंड उससे अगला पॉइंट अफर्मेटिव एक्शन, मतलब आपने इक्वालिटी के अंदर तीन चीजें देख ली है, यस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, उसके बाद में रिलेशनशिप एंड अफर्मेटिव एक्शन। राइट्स, फिफ्थ पॉइंट राइट्स, उसमें ए, राइट्स में ए, मीनिंग एंड थियरीज,
मीनिंग एंड थियरीज। बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स एंड सी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी सिक्स्थ पॉइंट सिलेबस का वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या चाहिए अपने को? तो फर्स्ट ए दैट इज क्लासिकल एंड कंटेम्प्ररी थियरीज। डेमोक्रेसी के क्लासिकल एंड कंटेम्प्ररी थियरीज। बी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। बी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। समझो ये आपने लिखा हुआ है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें और सब मॉडल्स हैं, तो उसमें आप लोग अंदर जाके तीन मॉडल्स देखने हैं। तो फर्स्ट मॉडल जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव तीन हो गए। सेवेंथ कंसेप्ट ठीक है, तो उसमें लिखना है पहले सिर्फ इतना लिखो कंसेप्ट ऑफ। कंसेप्ट ऑफ ए, उसके अंदर जाके ए बी सी डी। ए पावर, बी हेजेमनी, सी आइडियोलॉजी। कोई स्पेलिंग नहीं आ रही तो बिंदास बोलो। आइडियोलॉजी एंड डी लेजिटिमेसी। अब एट्थ पॉइंट ऑफ सिलेबस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उसमें कोलन लगा के आगे लिखो ए फर्स्ट ए लिबरलिज्म, सोशलिज्म, बी सोशलिज्म, सी मार्क्सिज्म, उसके आगे फासिज्म। नेक्स्ट गांधीज्म एंड सबसे लास्ट फेमिनिज्म। नाइन्थ पॉइंट अपने को देखना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स उसमें भी एबीसीडी। सो फर्स्ट ए धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र बी अर्थशास्त्र एंड सी बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस ठीक है। सो धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। उसके अगला नेक्स्ट जो थिंकर अपने को देखना है वो है डी लिखोगे ना अभी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान
यस डी सर सैयद अहमद खान। ई क्या सर तो नहीं बोलते उनको, श्री औरोबिंदो। श्री औरोबिंदो। नेक्स्ट इज एम के गांधी। एम के गांधी एंड रॉय। सेवन, ठीक है, डन। अभी 10th पॉइंट अपने को लिखना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, हाँ, ओ सॉरी, बी आर अंबेडकर। यस, दिमाग से रह गया, पता नहीं क्या किया मैंने। एम के गांधी के बाद में बी आर अंबेडकर थे और एम एन रॉय है, फिर तो उतनी तो जगह हो गई आई सपोज। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, कभी कभी ऐसा होगा जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ कुछ भूल गया, तो स्पेस होनी चाहिए वहां पे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, 10th पॉइंट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसमें सबसे पहले ए प्लेटो, टो बी एरिस्टोटल, ठीक है, उसके आगे मैकियावेली, देखो ये सब थिंकर्स के नाम में हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, तो होता क्या है, अब आपसे इतना तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो आपके सिलेबस में जो थिंकर्स दिए हुए हैं उनके नाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसमें से कोई एरिस्टोटल को सिर्फ एरिस्टॉल लिखता है या फिर कोई मैकियावेली को कुछ तो और ही बना देता है, तो मन में प्रोनाउंस ही ऐसा करो कि इसकी स्पेलिंग कभी आप भूलो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलूंगा मैकियावेली, ठीक है, मन में जो बोलना है बोलो। उसके आगे है हॉब्स, ठीक है, हॉब्स में याद रखो डबल बी है, हॉब्स। लॉके, तो लॉके को हम लोग सिर्फ लॉक लिखते हैं, मैं ही देखो गड़बड़ कर रहा हूं। लॉके, उसके आगे जे एस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल उसका फुल फॉर्म है, जे एस मिल। फिर कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट जो है वो है ग्राम्स्की, ग्राम्स्की में के कहीं नहीं आता है। एंड लास्ट थिंकर जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक एक ना एक बार कभी ना कभी तो गलत करोगे, वो है ना आंटी, हैना आरेंट। हैना आरेंट। सो पेपर वन पार्ट ए, सिलेबस डन, ठीक है। नेक्स्ट अभी लिखो पेपर वन पार्ट बी। हेडिंग डालो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसमें फर्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म, फर्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म, ठीक है, उसमें ए, ठीक है। तो अब ये ए में क्या करना है, एक्चुअली ए के मल्टीपल पॉइंट्स है लेकिन मुझे उनको सेग्रीगेट करके देना है, इसलिए समझो आपने फर्स्ट लिखा है ऐसे नेशनलिज्म, ओके, उसके बाद में तुम लोगों ने इसके बीच में ए लिखा होगा, तो अब ए में ही सिर्फ एरोज 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 बना के अगला लिखो। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज
ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये यहाँ पे आना चाहिए था, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल आई सपोज। और अब उसके नीचे आप लोग एरो के फॉर्म्स में लिखोगे, फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो अपने को बतानी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नेक्स्ट एरो में नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, उसके अगले में सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, उसके अगले में मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, उसके अगले में पीजेंट मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स, एंड उसका अगला एग्जैक्टली तुम्हारा स्पेक्ट्रम पूरा कवर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, वर्कर्स मूवमेंट, ठीक है, ये आपके नेशनलिज्म में आएगा। अब बी वाले पॉइंट पे आओ, बी पॉइंट, ठीक है, ये आपने इधर लिख दिया। अब बी लिखो, इसमें जो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पहले इसकी हेडिंग लिखो, वो है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगेन फर्स्ट एरो, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स अपने को समझाने इंडियन नेशनल मूवमेंट के। फर्स्ट पर्सपेक्टिव लिबरल, लिबरल, फिर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, अगला है मार्क्सिस्ट, उसका अगला है रैडिकल ह्यूमैनिस्ट, रैडिकल ह्यूमैनिस्ट, एंड लास्ट वन जो है वो है दलित। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनलिज्म के बाद का सेकेंड पॉइंट है ये, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से ए, ए लीगसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, लीगसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। बी डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स। अब आपने को लिखना है थर्ड पॉइंट, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चाहो तो ए बी सी डी नंबर दे दो, या फिर ये वाला नंबर भी आप लोग दे सकते हो उसको, जो हम लोग रोमन नंबर्स देते हैं, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है। सो फर्स्ट इज द प्रीएम्बल, द प्रीएम्बल पढ़ा है क्या हमने? नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। प्रिंसिपल्स,
उसका अगला पॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। उसका अगला जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। एंड लास्ट वन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब अपने को फोर्थ पॉइंट लिखना है। तो उसमें आप लोग लिखो पहले सब हेडिंग प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ, फोर्थ में प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ। ठीक है, तो आपने फोर्थ पॉइंट राइट प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ लिखा हुआ है, उसके अंदर बीच में ही ए लेके आ जाओ। ए में लिखो यूनियन गवर्नमेंट प्रिंसिपल, तो इसका मीनिंग हो गया प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट में अपने को क्या क्या बोला है, तो अगेन ये ए के अंदर में आपके तीन पॉइंट सब पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर दिस, सो फर्स्ट इज एनविसाज्ड रोल, यूनियन को क्या काम दिया हुआ है, फर्स्ट इज एनविसाज्ड रोल। म्हणजे त्यांना काय काम देण्यात आलेलं आहे असं। सेकंड पॉइंट ऍक्च्युअल वर्किंग, ऍक्च्युअल वर्किंग ऑफ एक्झिक्युटिव्ह, ऍक्च्युअल वर्किंग ऑफ एक्झिक्युटिव्ह, लेजिस्लेचर अँड सुप्रीम कोर्ट। मतलब बेसिकली इनको बोला है कि एनविसाज्ड रोल क्या है उनका एंड एक्चुअल वर्किंग कैसा है किस किस का, तो उसमें आप लोग बोल सकते हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट टर्म यूज किया है। अगला है यूनियन लिखा है, तो अभी नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या लिखोगे, स्टेट। सो स्टेट सेम, फर्स्ट पॉइंट इज एनविसाज्ड रोल, एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्चुअल वर्किंग। उसमें भी आप लोग ऐसे बना सकते हो चाहो तो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ पॉइंट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। फोर पॉइंट्स हो गए अपने अभी, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट लिख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट का हेडिंग है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। उसमें अभी ए पंचायत राज एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट, पंचायत राज एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट। उसमें बी सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। एंड लास्ट दैट इज हाई, एंड लास्ट ग्रास रूट मूवमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट। ठीक है, तो 73rd 74th हमने पढ़े क्या, पक्का किसने पढ़ाया। सिक्स्थ इंस्टीट्यूशंस स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस और कमीशंस,
तो उसमें क्या क्या है, इसमें नंबरिंग ही दो, 1 2 3 4 ही करो, मतलब रोमन नंबर जो है वो वाले दे दो। सो 1, इलेक्शन कमीशन, पता तो चले तुमको कितने कमीशन्स अपने को पढ़ने हैं। 1, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर नाम है उसका, ठीक है, ना कि कंट्रोलर, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख लो कैग, उसका अगला है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसका अगला है यूपीएससी, लिखना है तो यूपीएससी लिखो वरना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, उसका अगला पॉइंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसका अगला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसका अगला है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका अगला है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एंड द लास्ट कमीशन दैट इज नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। कितने, 9 हो गए, 10 इंस्टीट्यूशन है क्या, ठीक है। सेवेंथ, अब सेवेंथ पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, उसमें आपको स्पेसिफिकली पूछा है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है, उसका ए पॉइंट, उसका ए पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसका ए पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसका बी पॉइंट चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, बी पॉइंट चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसका सी पॉइंट, उसका सी पॉइंट, ये सिलेबस देना एक मिनट, इसमें इसमें जो लिखा है उस पर मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज, नेक्स्ट इज रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस, उसका अगला है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब आओ एट्थ पॉइंट पे सिलेबस के, वो है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें ए ए नेहरूवियन एंड गांधियन पर्सपेक्टिव्स, नेहरूवियन एंड गांधियन पर्सपेक्टिव्स,
उसका अगला पॉइंट बी, रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसका अगला पॉइंट लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। उसी में लैंड रिफॉर्म्स के आगे ही लिखो एंड एग्रेरियन रिलेशंस, एंड एग्रेरियन रिलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन रिलेशन, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, उसमें अपने को तीन चीजें देखनी है, तो चाहो तो ऐसे बना ही सकते हो सीधा कि ये सब तीन चीजें नाइन्थ पॉइंट में। सबसे पहले है कास्ट, फिर है रिलीजन, फिर है एथनिसिटी। कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी, उसको आगे ऐसे बना के लिख दो इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। टेंथ पॉइंट, पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम, उसमें फर्स्ट पॉइंट है ए, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। बी पॉइंट है आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज। पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। उसका अगला पॉइंट है प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, उसका अगला पॉइंट है ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर। उसका अगला पॉइंट है चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स मतलब कौन? एमपीज। ठीक है, तो एमपीज का कैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल चेंज हो रहा है उस पर, तो अभी रिसेंटली देखो 2019 का इलेक्शन हुआ है, उसमें आप लोग आजकल में ये वाले न्यूज पढ़ ही रहे होंगे, देखो कि इतने इतने एमपीज जो है वो इस कास्ट के है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो दिमाग में नोट करके रखो और हो सके तो नोटबुक में भी, समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट दैट इज 11th पॉइंट, सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स में ए है सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट्स, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट्स। उसमें बी पॉइंट है वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एंड उसमें सी पॉइंट है एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट
मूवमेंट। सो मे बी अभी तुमको ये नहीं समझे और तुमको लगे कि ये सब कितना बड़ा बड़ा है सिलेबस। एक्चुअली लोगों का पॉलिटिकल साइंस को देखने के बाद में उनको लगता है कि सिलेबस ही कितना बड़ा है, बट ये सिलेबस बड़ा नहीं है। किया हुआ क्या है, एक एक पॉइंट उन्होंने बता दिया है। उन लोग सीधा इतना बोल के छोड़ सकते थे ना कि जितने भी स्टैचुटरी एंड इंस्टीट्यूशन कमीशंस है उतना अगर बोल, इतने आपने जो 10 कमीशंस लिखे वो लिख, बट बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है। या फिर सोशल मूवमेंट्स वगैरह आप देखो, इसमें आपको एनी हाउ वुमन मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स आप लोग वहाँ पे भी पेपर वन में भी पढ़ोगे, यहाँ पे वापस से पढ़ना है। पीजन मूवमेंट ऊपर पढ़े हो, वापस से नीचे लैंड रिफॉर्म, सेग्रीगेशन, तो ये सब एकदम क्लब हो जाता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, अभी ये तो हो गया अपना पेपर वन का सिलेबस, अभी लिखना है अपने को पेपर टू का सिलेबस। तो पेपर टू में सबसे पहले पार्ट ए, पेपर टू पार्ट ए, इसको क्या नाम दिया है हमने, सो लिख लो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ए पॉइंट, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस, नेचर, नेचर किसका, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड मेजर अप्रोचेस, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस। बी पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये लिया है। इसके आगे ऐसे लिख दो पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। उसके आगे सी लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स, लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स। लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में देखना है। तो एक्चुअली अलग अलग कंपैरिजन हम लोग करते हैं, उनके इकोनॉमी का कंपैरिजन करेंगे तो उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलेंगे, सोसाइटी का कंपैरिजन करेंगे तो सोशल पर्सपेक्टिव हो गया वो, ठीक है। उसके लिमिटेशंस क्या है, सेकेंड पॉइंट है अपना, अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग, आई एम सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन, नेचर ऑफ स्टेट इन वन कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, टू सोशलिस्ट इकोनॉमीज। एंड ऐसे कैपिटल में आपने ऐसे लिखा होगा जो भी है, फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऐसे वन टू लिखा होगा, इसके बड़ा नीचे एंड लगा दो और उसके आगे लिखो एंड अगेन उसमें वन लिखो
एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड टू डेवलपिंग सोसाइटीज एंड टू डेवलपिंग सोसाइटीज। तो इसमें स्टेट स्टेट मतलब क्या? फॉर रफ रफली हम लोग उसको गवर्नमेंट अभी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो कैसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में से कैसे चेंज होती रही, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि पहले वो पोलिश स्टेट होते थे, फिर उसके बाद में वेलफेयर स्टेट बने, उसके बाद में वापस से उन लोगों ने लिबरल स्टेट बन गए। तो उसका कंपैरिजन प्लस अभी डेवलपिंग कंट्रीज में स्टेट कैसा है और डेवलप कंट्रीज में स्टेट कैसा है। ठीक है, अगला है पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, उसमें फर्स्ट पॉइंट दैट इज ए। तो रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पहले पढ़नी होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने पेपर वन पार्ट बी में थी क्या? थी, वापस यहां पे पढ़ना है। पेपर वन पार्ट ए में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव डेलिबरेटिव जो हम लोगों ने देखा, मतलब डेमोक्रेसी कितनी बार रिपीट हो गई है। ओके, सो इसमें सबसे पहला है पॉलिटिकल पार्टीज, बी प्रेशर ग्रुप्स, ए पॉलिटिकल पार्टीज, बी प्रेशर ग्रुप्स एंड सी सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, आपने एबीसी लिखा होगा, अगेन उसके आगे ऐसे कर दो ये वाला, एंड उसमें दो चीजें अपने को पढ़नी है कहां कहां पे, बोथ दैट इज डेवलप्ड, क्या इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। तो उसमें आपको समझ गया कि अपने को प्रेशर ग्रुप पढ़ना है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है और सोशल मूवमेंट पढ़ना है। अब ये कैसे करना है, अपने को सिर्फ कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, डेवलपिंग कंट्रीज में कैसी वो पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल ग्रुप्स है और डेवलप कंट्रीज में कैसे है, तो उसका कंपैरिजन। तो यहाँ पे मेजर आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है और अब आगे शुरू होता है वो है फोर्थ पॉइंट दैट इज ग्लोबलाइजेशन। चाहो तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा देके नीचे वाला पॉइंट लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट ग्लोबलाइजेशन। उसमें भी एक्चुअली ये भी कंपैरेटिव का ही पार्ट है, रिस्पॉन्सेस फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, एक ही पॉइंट है उसमें, ग्लोबलाइजेशन सेमीकोलन रिस्पॉन्सेस फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल आजकल आप लोग देख रहे होंगे इंटरनेशनल न्यूज में कि ट्रम्प भाई क्या कर रहे हैं, ट्रम्प भाई वापस से ये ग्लोबलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आइसोलेशनिज्म जिसको टेंडेंसीज बोलते हैं, सो दे आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। तो उसमें डेवलप कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या बोलते थे, पहले उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तुम्हारा डेवलपमेंट वगैरह होगा। बाद में जब हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट शुरू किया और उनका जब डेवलपमेंट रुक गया, तो अभी बोल रहे कि ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए, तो भी आपको बाद में देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो आप लोग अभी लिखने वाले हो, वो है अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें फर्स्ट दैट इज ए आइडियलिस्ट, बी रियलिस्ट, सी मार्क्सिस्ट, डी फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट एंड उसके अगला
सिस्टम थियोरी, सिस्टम, सिस्टम्स, सिस्टम्स थियोरी, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें ही मजा आएगा आपको। सिक्स्थ पॉइंट दैट इज की कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, की कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि काफी जरूरी है। सो फर्स्ट दैट इज ए नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर बार नेशनल इंटरेस्ट की पहले बात करोगे, सो नेशनल इंटरेस्ट। देन सिक्योरिटी, देन पावर, नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर, डी बैलेंस ऑफ पावर, उसका अगला डिटरेंस, डिटरेंस मतलब डरा के रखना, सिंपल डिटरेंस। उसका अगला ट्रांसनेशनल एक्टर्स, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, किसी को पता है ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या होता है? यस कौस्तुभ, कौन? रॉ आईएसआई, ठीक है। तुमको लियोनार्डो दी कैप्रियो पसंद है? वो एक्टर है सिर्फ, ठीक है। ट्रांसनेशनल एक्टर्स में क्या आते हैं? एनजीओज, मल्टीनेशनल कंपनीज, टेररिस्ट, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसनेशनल एक्टर्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने क्या बोला? ट्रांसनेशनल एक्टर्स। उसका अगला कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। उसका अगला पॉइंट वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन 3 बार तो रिपीट हो गया है। ओके, अब अगला वाला जो पार्ट है तो वो थोड़ा सा अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट आने लगता है। एक्चुअली इंटरनेशनल ये सब थियरी वाला पार्ट है कि इसमें आप थियरी में सीख रहे हो कि भाई कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, डिटरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन क्यों लिया हुआ है? तो डराने के लिए तुमको, अगले वालों को, कि अगर तुमने हमारे ऊपर कुछ ऐसी छेड़छाड़ की तो फिर तेरी खैर नहीं, सीधा वैसे ही कुछ है। अगला पॉइंट जो है उसमें भी थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो, वो है चेंजिंग इंटरनेशनल, कितवा पॉइंट हो रहा है ये? सातवा, यस सेवेंथ पॉइंट, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। उसके ए में लिखो, उसका ए, उसके ए में भी आपके मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर ए लिख दिए हो ऐसे तो उसमें एरो से स्टार्ट करो। ए में फर्स्ट है राइज ऑफ सुपर पावर्स, राइज ऑफ सुपर पावर्स, यहां पे लिखना है राइज ऑफ सुपर पावर्स। अगला पॉइंट जो है उसी में वो है स्ट्रैटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बायपोलैरिटी, स्ट्रैटेजिकल बायपोलैरिटी। तीसरा है इसी में एरो में आर्म्स रेस, आर्म्स रेस। उसका अगला है कोल्ड वॉर, नेक्स्ट है न्यूक्लियर थ्रेट, न्यूक्लियर थ्रेट, ठीक है। अब सेम जैसा भी आप लोग कर रहे हो चेंजिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, अब इसके जगह बी ले लो और बी में लिखो पॉइंट्स, नॉन अलाइंड मूवमेंट, फर्स्ट एरो
नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट नहीं है, वो सिर्फ नॉन अलाइंड मूवमेंट है। नॉन अलाइंड मूवमेंट ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट और उसके एम्स एंड अचीवमेंट्स, एम्स एंड अचीवमेंट। इसमें एक ही एरो है। अब अपने को लिखना है सी वाला पॉइंट, वो है फर्स्ट एरो, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट एरो, यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी, यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी। नेक्स्ट एरो, रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो अगेन आप लोग देखोगे नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और आगे वापस से अपना पार्ट बी में भी देखोगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही तीन बार रिपीट कर दिया। ओके ठीक है, अब सेकंड नहीं, अब एट्थ पॉइंट सो वो है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें ए फ्रॉम ब्रेटन वुड, फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू, फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू WTO, फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू WTO इकोनॉमीज, सोशलिस्ट इकोनॉमीज and CMEA, and CM socialist economies and CMEA, CMEA का full form है mutual economic assistance, mutual economic assistance। ठीक है, C point, that is third point, थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर NIEO ब्रैकेट में लिखो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एंड लगता है इनका ग्लोबलाइजेशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। वापस एक बार इन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, लास्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, कितवा होगा अभी ये, नाइन्थ, यस नाइन्थ पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस। उसका ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एनविसाज्ड रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड, बी पॉइंट, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज। अब जैसे आपने इसको लिखा है तो आगे ऐसे
इसको दो चीजें हैं, वो है एम्स एंड फंक्शंस, एम्स एंड फंक्शनिंग, ऐसे लिखो, एम्स एंड फंक्शनिंग, एम्स एंड फंक्शनिंग की यूएन एजेंसीज बनाई हुई है, उनके एम्स एंड फंक्शनिंग्स कैसे हैं। एंड इसका लास्ट पॉइंट, डू यू थिंक यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशन शुड बी रिफॉर्म्ड? सो वही पॉइंट है, नीड फॉर यूएन रिफॉर्म, नीड फॉर यूएन रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 10th पॉइंट, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसमें ABCD, EU, EU, EU का फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में EU के बाद में आसियान, क्या है ये? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, ओके। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर कोऑपरेशन, यस, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है सार्क, और ये सार्क है ना कि शार्क है, ठीक है, फर्क है। क्या है सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एंड द लास्ट वन, दैट इज, आपने वो गाना सुना होगा, राफ्ता राफ्ता देखो क्या हो गया, तो वैसे ही नाफ्टा नाफ्टा देखो क्या हो गया। नाफ्टा क्या है ये? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि अभी रिसेंटली जस्ट चेंज हो गया। फिफ्थ पॉइंट, सॉरी, इलेवेंथ पॉइंट नहीं है, बट वो आसियान के अंडर में आ ही जाता है। RCEP क्या है? तो RCEP अपना मतलब ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, वो रीजनल ब्लॉक नहीं है, ऐसा है। फिफ्थ पॉइंट, सॉरी, इलेवेंथ पॉइंट, वो है कंटेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स, कंटेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स। सो उसमें ए, डेमोक्रेसी, एंड मैं बोला आपको इनके दो तीन वर्ड्स बहुत ही फेवरेट है, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स पेपर वन पार्ट ए, ह्यूमन राइट्स पेपर वन पार्ट बी, ह्यूमन राइट पेपर टू पार्ट ए, ओके। उसके बाद वापस है एनवायरमेंट, फिर जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस, नेक्स्ट इज टेररिज्म, टेररिज्म, एंड लास्ट पॉइंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो ऐसा है, ठीक है, दिस इज पेपर वन पेपर टू पार्ट ए, ओके। अब अपने को देखना है पेपर टू पार्ट बी। और ये वाला पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम लोग यूएन पढ़ रहे हैं, ओके, यूएन वाला पार्ट जो है यहां पे वापस से अपने पेपर टू के पार्ट बी में दिया हुआ है। तो जब यूएन पढ़ रहे हैं तभी इंडिया के रिलेशन उसके साथ पढ़ लेते हैं, जब नाम पढ़ रहे तो नाम के साथ ही अपनी रिलेशंस पढ़ लेते हैं, तो बहुत वहीं ओवरलैप हो जाता है। टाइटल है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसका फर्स्ट पॉइंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसमें ए,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बी इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। उसमें सी कंटिन्यूटी एंड चेंज, कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया कंट्रीब्यूशन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पॉइंट
इंटरनल ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। काम में तो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है वगैरह, तो तुम्हारा क्या लेना है, वो वाला पार्ट स्किप सकते हो। ओके, अफ्रीकन यूनियन की कोई मीटिंग वगैरह हुई, उसमें कुछ उन लोगों ने रिजोल्यूशन वगैरह पास किया, अगेन उनको क्या लेना है। ठीक है, अफ्रीका और इंडिया के बीच में कोई रिलेशन हो रहा है क्या, या इंडिया और जापान के साथ में कुछ चीज चल रही है क्या, तो उसको समझना कि वो ये इंपॉर्टेंट। सिक्स पॉइंट, अब ये सब रिपीटेशन सी है। सिक्स पॉइंट, इंडिया एंड यूएन सिस्टम, इंडिया एंड यूएन सिस्टम। उसमें ए, रोल इन यूएन पीस कीपिंग, रोल इन यूएन पीस कीपिंग, रोल इन यूएन पीस कीपिंग। उस बाद बी, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जब वहां का यूएन पढ़ेंगे पेपर पार्ट ए का, उसी टाइम वहां पे दोनों सिलता देंगे टॉपिक्स। सेवेंथ पॉइंट, इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन। उसमें सेमीकोलन में, चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसीज, चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी। तो आप पता होगा इंडिया जो है पहले न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करना चाहता। नेहरू ने न्यूक्लियर वेपन बनाया था क्या? नहीं बनाया था। ओके, बट हम लोग को बाद में न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाना पड़ा, मतलब हम लोग पहले न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट में फेवर थे। ठीक है, बट धीरे धीरे हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, हम लोग की जिस जो ग्रुप अपने अगेंस्ट में था उसी ग्रुप में की कोशिश कर रहे हैं। पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एसजीजी को बोलते हैं। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप 1972-1974 में इसलिए बना था उसको, ओके, क्योंकि इंडिया ने उस टाइम पे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कब किया था? पोखरण में किया, ऑलमोस्ट ऐसे 71-72 वगैरह। तो उसके अगेंस्ट में फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाएगा कि इंडिया से मस्ती कर रहा है, इसके अगेंस्ट बनाते हैं। आज जो इंडिया बोल रहा है, मेरे को भी उस ग्रुप में लो। ठीक है, एट एंड लास्ट पॉइंट फॉर सेवस, दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो क्या है, फर्स्ट इज ए, ए लिखो पे, इंडियाज पोजिशन ऑन रिसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान। कंट्री का नाम आप लोग एरोज लिख सकते हो, इंडिया पोजिशन ऑन रिसेंट क्राइसिस इन, एरो में फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकेंड एरो इराक, थर्ड एरो वेस्ट एशिया, थर्ड एरो वेस्ट एशिया। फिर बी लिखो, ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएस एंड इसराइल, ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएस एंड इसराइल। तो मैंने आपको उस दिन इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था इंडिया और ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बोला जाता है, तुमको याद ही नहीं रहा, पीटीआर कुछ याद करो, क्या बोलते हैं उसके रिलेशनशिप को, क्या? यस, सो इट इज लवलेस। और इंडिया इजराइल के कंडीशन में आज के उसको पहले बोला जाता था इंडिया इजराइल रिलेशन के लव अफेयर, नाउ इट हैज कम इनटू फोरफ्रंट, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि इजराइल के साथ अगर हम लोग रिलेशन रखते हैं तो फिर वेस्ट एशियन कंट्री जो है वो दुखी रहते हैं, या वो अपने साथ अच्छे रिलेशन देखेंगे, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखें तो क्या करना है, सीक्रेट अफेयर। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट द सी, जो कि हम लोग कब से इसकी इच्छा रखते, वो है विजन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, विजन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो हाथ दुख रहा है इतने जल्दी, अब से सिलेबस लिखे हो तुम, तो अपना सिलेबस एक बार देख लो, समझ कहाँ क्या चीज है, अभी तक सिर्फ लिख रहे थे, कितने इसका सिलेबस लिखा, अरे बाप रे। बट बहुत इसलिए हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने एकदम अच्छे से गैप लेके पढ़ा हुआ है, तो इसमें अपने को पता चलता है कंटिन्यूअसली अपने को किन चीज पर टारगेट रखना है।
ठीक है। और मैंने और एक चीज आपको बताई थी कि ये सिलेबस रिपीटिव है बार बार, ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, एंड व्हाट इज दिस पॉलिटिकल साइंस। कोई भी चीज आप जब समझने जा रहे हो तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस पॉलिटिकल साइंस, क्या आता है, क्या है पॉलिटिकल साइंस, टोटली बताओ। क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव रखें, क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं। क्या लगता है क्या होता है पॉलिटिक्स, क्या होता है पॉलिटिकल साइंस? कौन कौतुब, कहां से वर्ड आई है? ठीक, तो एक्चुअली अगर हम लोग ठीक से देखें, देयर इज नथिंग साइंटिफिक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, बट स्टिल वी हैव गिवन द टर्म। एंड इफ यू सी, ओके, अगेन कुछ लोग बोलते हैं कि वो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, कुछ लोग बोलते हैं दिस इज अ पॉलिटिकल थियरी, कुछ लोग बोलते हैं दिस इज अ पॉलिटिकल साइंस। कुछ लोग को इस पहले को स्टडी ऑफ गवर्नमेंट भी बोला करते थे, मतलब पॉलिटिकल साइंस बोलने की बजाय स्टडी ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते थे। तो इफ वी सी व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड, ओके, सो दिस पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स ओरिजिनेट्स, ओके, फ्रॉम द वर्ड पुलिस, फ्रॉम द वर्ड पुलिस, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ओके। क्या होता है, क्या इस पुलिस का मीन? ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। और कुछ? तो अपना जो हम लोग नेटो लाइफ में जिस पुलिस से मिल रहे हैं उससे कुछ का लेना नहीं है। सो पुलिस यूज टू मीन सिटी स्टेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस सिटी स्टेट, और फिर व्हाटएवर दैट डील्स विद दिस सिटी स्टेट बिकम्स पॉलिटिकल। दिस वर्ड पुलिस मीन, और व्हाटएवर विच डील्स विद दिस पुलिस, ओके, अ स्टडी दैट डील्स विद पुलिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल साइंस। अब इस क्वेश्चन का है, व्हाट इज दिस सिटी स्टेट, एनी आइडिया? सिटी स्टेट, आज तक सिटी सुना है, स्टेट सुना है, बट ये बीच में सिटी स्टेट कहाँ से आ रहा है? देवर दे इटसेल्फ, ओके, देवर रूल देंस, यस। तो अभी अगर आज हम लोग अगर स्टेट की और मॉडर्न डेफिनेशन देखें, तो मैं आपको बताता हूँ, स्टेट को हम रफली से इक्वेट करते हैं गवर्नमेंट से, बट एक्चुअल में स्टेट की एक्चुअल जो डेफिनेशन है व्हाट इट इज, सो इट कंप्राइज ऑफ फोर एलिमेंट्स। व्हाट आर दोस फोर एलिमेंट्स? फर्स्ट, नहीं, ज्योग्राफी नहीं बोल सकते आप लोग, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। टेरिटरी आप लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज टेरिटरी भी अनबाउंड हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेट टेरिटरी, क्या है डेफिनेट टेरिटरी यू हैव? फर्स्ट आई वुड से क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एनी स्टेट, ओके। सेकेंड क्राइटेरिया जो है, अगेन उस आपका डेफिनेट पॉपुलेशन होना चाहिए। मेरे पास डेफिनेट टेरिटरी है, मैं लद्दाख में रूल कर रहा हूँ, कौन है वहाँ? कोई नहीं है, फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक स्टेट है, करके नहीं है। अगला नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, इसमें आपको चाहिए वहाँ पे एक गवर्नमेंट हो चाहिए, ओके। एंड द लास्ट थिंग इज सॉवरेंटी। सो दीज आर फोर एलिमेंट्स, ओके, थ्रू विच अ स्टेट कंप्राइजेस। ये चार चीजें हर बार चाहिए। सो व्हाट इज स्टेट? सो इट कंप्राइजेस ऑफ डेफिनेट टेरिटरी, अ डेफिनेट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। ये चार चीजें अगर आपकी मिलती है तो इट बिकम्स अ स्टेट। So this is a definition of a modern state. Okay, this is a definition of a modern state and not city state. So आज कोई city state existence में है क्या? पहले जैसे Athens, Sparta वगैरह वो करता था, आज है क्या कहीं? Very good, Singapore. Okay, so Singapore अगर लोग देखें तो वो क्या है? Actual में देखो वो पुणे जितना ही बड़ा है। In fact पुणे पूरी area हम देखें तो पुणे में भी ज़्यादा बड़ा जाएगा, ठीक है? So पुणे जितना ही बड़ा है, but पूरा पूरा एक country है, पूरा का पूरा state है, ओके। तो उसके पास डेफिनेट टेरिटरी है, उसके पास डेफिनेट पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, और ऐसे ही उनकी सॉवरेंटी भी उनके पास है। लेकिन हांगकांग जो है उसको सिर्फ स्टेट बोल सकते होते। तो एक्चुअली अगर वो चाइना के सॉवरेंटी के अंडर नहीं था, हांगकांग का लोग बोल सकते हैं वहाँ पे भी कि वहाँ पे भी डेफिनेट टेरिटरी है क्या? सो एक्चुअली है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, गवर्नमेंट है क्या है, बट सॉवरेंटी की बात आती तो वहाँ पे वो एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, ओके। तो ऐसे स्टेट की डेफिनेशन आती है, ये मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन। अब सिटी स्टेट जो पहले हुआ करते थे, तो अगर आप लोग थोड़ा ग्रीस का वगैरह स्टडी करो तो आपको समझ आएगा कि इधर से इधर एथेंस हुआ करता था, फिर स्पार्टा होता था, और भी ऐसे छोटे छोटे सिटी हुआ करती थी, वही खुद रूल करते थे, ओके। और इनके बीच में कंटिन्यूस वॉर वगैरह चलता था, तो काफी फेमस वॉर जिसको हम पेलोपोनेशियन वॉर बोलते हैं। पेलोपोनेशियन वॉर इसके बीच में हुआ था, यहाँ से स्पार्टा, यहाँ से एथेंस, इसके बीच ही हुआ था। आगे हम लोग प्लेटो हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका कितना इम्पैक्ट था प्लेटो के लाइफ में, ठीक। तो स्टेट जो है या फिर जो पॉलिटिक्स जो है, तो ये हर बार इवॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली हर बार स्टेट जो किससे डील करने की कोशिश करेगा,
पॉलिटिक्स से या पॉलिटिक्स से या गवर्नमेंट से ही डील करने की कोशिश करेगा, पॉलिटिक्स सॉरी पॉलिटिक्स किस डील करने की कोशिश करेगा, स्टेट से, समझ आ रहा है। तो पहले सिटी स्टेट से ये डील करता था, बाद में आपको पता है किसका इमर्जेंस आता है, वो है चर्च। तो चर्च पावरफुल बनता है। अभी तक इनके टाइम पे क्या हो रहा था कि एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा देखो फिलोसफी ज्यादा डोमिनेट करती थी इनके लाइफ में, जैसे सोक्रेट्स हो गए अगर हम लोग देखें तो टाइम पे लोग किस लिए तो उनका इन क्या होता कि भाई अपने को अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी तो क्या करे, उससे अच्छा सोचे, उस पर अच्छा काम करे, तो ये सब उस टाइम पे चला था। एनीवेज ये सिटी स्टेट से धीरे धीरे क्या हुआ कि का रोमन एम्पायर आता है, ओके, या फिर हम लोग मेडिवल पीरियड बोल सकते हैं। मेडिवल पीरियड में क्या होता है, ये जो सिटी स्टेट्स आप थे अभी तक क्या कर रहे, इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे, बट अगर अब आप लाओ तो आप लोग भोगी रोमन एम्पायर मतलब पूरी यूरोप इसका कब्जा हुआ करता था, और अलग अलग जो भी आप यूरोप राजा है, ओके, ये किसके अंडर आते थे, एक राजा के अंडर आते थे, प्लस इन लोग सब चर्च के अंडर में लोग आते थे, तो इसको बोलना जाने लगा कॉन्फेडरेशन, ओके। तो एक लाइफ की साइकिल की तरह ही वो चल रहता है, इवन आप किसी भी जगह पे आपको देखने मिलेगा लाइफ है वो आप कंटिन्यूसली ऐसी 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 चलती जाएगी। एक बार होगा आपके पास बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा, दूसरी बार होगी कि आप एकदम हार गए हो, वापस कभी कभी ऊपर जाओगे वापस नीचे आओगे। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस देखो, एक टाइम था जब कांग्रेस टॉप पे थी, ठीक है, और बीजेपी तब ऑब्वियसली बॉटम पे थी, बट आज उल्टा देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है बॉटम पे जा रही है, बीजेपी जो है टॉप पे जा रही है। एक टाइम आएगा जब बीजेपी भी बॉटम पे जाएगी और या तो कांग्रेस या फिर और अलग पार्टी पावर में आएगी। सेम आप अगर बाकी एम्पायर के लिए देखो तो एक बार कॉन्सेंट्रेशन होगा फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होगा, एक बार कॉन्सेंट्रेशन होगा वापस डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाया अभी जस्ट ना शुरू किया है, कितना हिस्ट्री पढ़ा दिया मौर्यन तक, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मौर्यन एम्पायर क्या था, तो पहले मौर्यन एम्पायर के पहले सब कुछ बिखरे हुए थे, बराबर, तो डिसेंट्रलाइजेशन सब अपना अपना इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं, उसको आप लोग सिटी स्टेट जैसा बोल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हुआ और बन गया कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो वापस से मौर्यन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जब उसका टाइम हो जाएगा कंप्लीट तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वापस से इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए, ओके। उसके बाद में वापस से कॉन्सेंट्रेशन होगा गुप्त एम्पायर, तो वापस डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर वापस से कॉन्सेंट्रेशन होगा दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स आते, फिर वापस डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ऐसे कंटिन्यूसली ये अप एंड डाउन साइकिल चलते रहती है। तो ऐसे पहले सिटी स्टेट्स इंडिपेंडेंटली अपना अपना रूल करते थे, बाद में फिर क्या हुआ कॉन्फेडरेशन आने लगे, और ये जब कॉन्फेडरेशन में क्या रहा था रीजन का मेजर रोल था, एंड उस टाइम मैंने आपको बताया मेकेवेली सबसे बड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर रेस्क्यूइंग पॉलिटिक्स। तो इनफैक्ट मेकेवेली जो है तो उसको काफी बलौरा भी बोला गया, इवन उस बाद में हॉब्स तो ऐसे जहर उगल वाला फ्रॉग वगैरह पता नहीं क्या क्या लगे उस बेचारे को, बट अच्छा कर किया होता है। मेकेवेली ने भी जो है वो क्या किया, उसने बोला कि रिलीजन का और स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है, प्लस रिलीजन डोमिनेट कर रहा है पॉलिटिक्स के ऊपर इस पीरियड में। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ हम लोगों ने देखा, इसके बाद में इधर से नेशन स्टेट एग्जिस्टेंस में आने लग गए कॉन्सेंट्रेट। तो आज जो है हम लोग मॉडर्न स्टेट में नेशन स्टेट देखते हैं। तो नेशन मतलब क्या, तो नेशन में हर बार इधर ये सब लोग जो है वो कॉन्फेडरेशन के अंडर थे ना, एक ही रिलीजन के अंडर काम कर रहे थे, फिर उनको कौन सी अलग फीलिंग आई जिसके वजह से उन लोगों ने दूसरे देश वगैरह बनाने की कोशिश की, क्या आता है? सो एवरीवन आइडेंटिफाइज ना, रिलीजन से आइडेंटिफाई कर लिया है, जर्मन लोगों को और क्या चाहिए फिर? रेस, रेस, रेस भी उनकी सबकी सेम ही है, वेरी गुड, लैंग्वेज, कल्चर। तो नेशन एक्चुअली लोग देखे तो जब स्टेट की हम बात करें तो स्टेट मतलब क्या, मैंने आप चार एलिमेंट्स बताए, बट उसके बाद में जो एक लैंग्वेज वाले लोग थे रेस देखें तो सब लोग ऑल सेम रेस के वहाँ, क्योंकि एक ही लोगों के डिसेंडेंट है वहाँ पे। रिलीजन देखे तो उनके वही सेम है, बट एक अलग फैक्टर क्या था वो है लैंग्वेज। जो जर्मन को चाहिए था उनका जर्मनी बने, ब्रिटेन को चाहिए था उनका इंग्लिश वाला जो भी देश है वो तो हमेशा से अलग ही रहे हुए, तो उनको उनका अलग से चाहिए था। इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन वांटेड इटली, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वांटेड फ्रांस, ओके। वैसे ही आगे भी लोग अपने अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बनाना शुरू किए, उसको हम लोग या उनका कल्चर बेसिस हम लोग बनाना शुरू किया, उसको हम लोग बोलते हैं नेशन स्टेट। ये नेशन स्टेट है अगेन जब भी कॉन्फेडरेशन, ऑब्वियसली ये क्या हुए ये सब टूटे गए ऐसे, ये देखिए हमको हमारा जर्मनी बना है, हमको ये कॉन्फेडरेशन में नहीं, हमको हमारा और कुछ बना है, हमको हमारा और कुछ बनाना है, ऐसे बना गए। तो मेकेवेली ने एक्चुअली उसका कंसर्न दे, तो मेकेवेली को क्या दुख हो रहा था कि फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने क्या किया, लोगों ने अपना फ्रांस बना दिया, ठीक है। वैसे ही दूसरे लोग जो है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है उन लोगों ने भी अब कुछ तो बना दिया था, बाकी इंग्लिश है या और लोग, इन लोग अपने अपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्पेन जो है स्पेनिश, पोर्चुगल है वो पुर्तगीज, इस पे लैंग्वेज पे इन्होंने अपना ऑलरेडी बना दिया था नेशन। बट इटली जो है वो यूनिफाई नहीं पा रहा था, उसका काम था ये यहाँ पे सब लोग अपने अपने नेशन स्टेट बना रहे और हारे लोग को सब घिरे हुए, वो आज ऐसे टूटे फूटे एकदम छोटे छोटे एरिया में जागीर जैसे बटती थी वैसे जागीर में बटे हुए, वही उस मेन कसन था उसको नेशन स्टेट चाहिए, उसकी उसने थीरीज दी थी, समझ में आ रहा। तो जो लोग एक सेम कल्चर से वगैरह अपने को आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम लोग नेशन बोलते हैं,
समझ में आता। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर योर कंट्री जो भी है, एंड एशियन नेशनलिज्म मीन्स तुम फिर कोई ना कोई चीज़ को हर बार उसको आइडेंटिफाई करके उसको बड़ा बड़ा करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल आजकल हिंदुत्व को नेशनलिज्म से हम लोग इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई, नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस आता है। तो ये सिटी स्टेट हुआ करता था, उससे कॉन्फेडरेशन बने, उसके बाद में वापस नेशन स्टेट ने, और अब लोग प्रोसेस देख रहे हैं, इन लोग धीरे धीरे वापस कॉन्फेडरेशन की तरफ होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ईयू, ईयू बनाना मतलब क्या, एकदम उस सेंस में कॉन्फेडरेशन नहीं बन सकते, बट एक लाइटर सेंस हम लोग कह सकते हैं ईयू बनाना मतलब कॉन्फेडरेशन ही हो गया। जो जर्मनी, जो फ्रांस, जो इटली आज खुद को अलग अलग नेशन बना के अपने अपने बॉर्डर बना के बैठे हुए थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई इतने कुछ पावर जो मर्ज कर देते हैं और सब साथ में आ जाते। सो दैट इज हाउ दिस स्टेट हैज इवॉल्व। अब कभी भी नेशन और स्टेट दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, और नेशन का है, स्टेट का है, नेशन और नेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है, तो ऐसे भी होते हैं। तो कुछ ऐसी भी नेशनलिटीज लोग हैं, नेशनलिटीज मतलब रेस वाले लोग बोल रहा हूँ, एथनिसिटी वाले लोग बोल रहा हूँ, लैंग्वेज वाले लोग बोल रहा हूँ, जिनके पास स्टेट नहीं है बट नेशन एग्जिस्टेंस में, जिनके पास स्टेट नहीं है बट उनके पास वो फीलिंग एग्जिस्टेंस में। किसी के बारे में बता सकते हो, टिबेट, टिबेट बोल सकते, ठीक है। अभी जैसे उनके पास टिबेटन्स बहुत सारे लोग ने इंडिया में यहाँ पे रह रहे हैं अभी, ओके, और कहीं फैले हुए हैं। ज्यू का भी आप बोल सकते, बट उनके पास अभी स्टेट भी है तो वो स्टेट में जा सकते हो। मेजर बलूचिस्तान वगैरह, ठीक है, मुझे बोलना है कुर्द्स। तो एक्चुअली ये कुर्दिस्तान बहुत अच्छा देश बन सकता है, लेकिन उनका कुर्दिस्तान कभी बना ही नहीं। तो एक काम कर, आज का असाइनमेंट आपके लिए, वर्ल्ड मैप ठीक स्टडी करो, अपने को वर्ल्ड मैप लेने वाला है, या फिर एटलीस्ट लेकर आया करो, हमेशा अपने बैग में वर्ल्ड मैप कैरी किया करो, वो ओरिएंट की या फिर ब्लैक सन की, ठीक है, दोनों भी आती है, बस वो एक एटलस साथ में कैरी किया करो। तो आप लोग वर्ल्ड देख थोड़ा सा, ऑलमोस्ट ये हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट एशिया, ठीक है, ये आपका है साउथ एशिया, ये हो गया आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इधर आता है आपका सेंट्रल एशिया, बाकी आप पता है अफ्रीका बोलते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ठीक है। तो इसमें ये जो वेस्ट एशिया वो जो पार्ट है, इसमें अगर आप देखो तो इधर सीरिया नाम की कंट्री है, इधर इसी के पास में टर्की नाम की कंट्री है, इसी के पास में इराक नाम की कंट्री है, और इधर से ही जुड़ी हुई ईरान नाम की कंट्री। ये चार कंट्रीज में एक्चुअली अगर इनका पॉपुलेशन देखो तो इनके चार कंट्रीज में अलग अलग जगह ये डिवाइड है। तब होता क्या है, इसकी वजह से एक्चुअली ये पॉपुलेशन ऐसी है, टेरिटरी ऐसे डिवाइड हो गई है, कुछ पार्ट जो है वो इराक ले लेता है, कुछ पार्ट जो है वो ईरान ले लेता है, कुछ पार्ट जो है सीरिया लेता है, कुछ पार्ट जो है टर्की लेता है, ठीक है। इस वजह से कुर्दिश लोग जो है वो माइनॉरिटी में, बट उनके पास नेशनलिज्म की फीलिंग भी है, उनको उनका एक देश बनाना है, कुर्दिस्तान बनाना है, समझ में आता। तो बहुत सारे लोग इसके लिए काम भी कर रहे थे। अगेन आप लोग इराक में अगर देखो, इराक में क्यों इतनी भी डिस्टेबिलिटी रहे है, उसमें आपको तीन कम्युनिटी में डिवीज दिखेगा, मैंने आपको बताया, जैसे इसमें कुर्द्स है एक, दूसरा है कुछ जो सुन्नी मुस्लिम है, और कुछ लोग जो है वो शिया मुस्लिम है। तो कुर्दिश भी ऑलमोस्ट मतलब मुस्लिम ही है, वो लेकिन कुर्दिश मुस्लिम है। तो इन लोग चाहते हैं कि इनका भी अलग कंट्री बने कुर्दिश, बट उनके पास है क्या, उनके पास ये नेशनलिटी फीलिंग है, उनके पास स्टेट क्या नहीं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास कभी कभी स्टेट नहीं होता है। एनीवेज वापस आते हैं अपने पॉलिटिक्स पे। सो पोलिस, पोलिस मीन स्टेट, ओके, और इसके अफेयर को मतलब इसके अफेयर को स्टडी करने को, स्टेट अफेयर को स्टडी करने को हम लोग पॉलिटल एस बोलते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिटल साइंस जो है तो ये इवॉल्व होते आया, इस डिबेट चलता है कि एग्जैक्टली ये कैसा है, बिकॉज इन आप अगर ग्रीक टाइम्स में देखे तो ग्रीक टाइम्स में क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में देखते तो इसको एज अ फिलोसफी स्टडी किया जाता था। सॉक्रेटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ऑल पीपल वर कंसर्न विद अ गुड लाइफ, ओके, और गुड लाइफ कैसे आएगी तो उनको बोलना था कि फिलोसफी में कैसे जागो, कैसे सोचो। फॉर एग्जाम्पल सॉक्रेटस का बोला है, An unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. So examine it. Identify what is the difference between knowledge and true knowledge. Knowledge is what appears to be. True knowledge may be something different. For example, okay. जैसे हम लोग टीवी में अगर कोई एक्टर और एक्ट्रेस को वगैरह देख रहे हैं, so does that mean कि वो एक्चुअल में रियलिटी है? नहीं, वो क्या है? वो सिर्फ उसमें ही एग्जिस्ट। जैसे अभी हम लोग समझो, एक मेरा खुद का ये थॉट एक्सपेरिमेंट अब मैं बना रहा हूँ, ये टीवी ऐसी चीज जो है वो हम लोग एंशियंट टाइम्स में लेकर चले जाए 500 साल पहले, वहां पर से बड़ी स्क्रीन लगा दी है, उस पर ये सब एक्टर और एक्ट्रेस काम कर रही है, इनको क्या लगेगा वो लोग उसके अंदर से घुस गए और उसके अंदर कैसे काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसके पीछे कुछ तो बॉक्स है, उसमें इन लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, या कोई एक्टिंग वैक्टिंग जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनके तो यही लिंग आएगी ना, उनको ट्रू नॉलेज है क्या? उनको सिर्फ नॉलेज है, उनको सामने दिख रहा है। सो कभी कभी चीज सामने दिखती वैसी होती नहीं है, ओके। तो ट्रू नॉलेज को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो। तो वो बोलते हैं सॉक्रेट्स बोल के फिर कैसे ट्रू नॉलेज अपने मिलेगा,
उसके लिए बोला है डायलेक्टिक्स का मेथड यूज करो। व्हाट इज डायलेक्टिक्स का मेथड? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, डिस्कशन, डिबेट करो। कोई तो आपकी आइडिया है, उसे आप लोग, दूसरा बंदा जो है उसको वापस दूसरी आइडिया, उसको एंटीथेसिस देने की कोशिश करा। सो आई विल गिव समथिंग सम थेसिस, उसके अगेंस्ट एंटीथेसिस आया, और उसके अंदर हम उसको मिला के सिंथेसिस करके वापस से उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अब वो डिबेट कर रहे हैं तो इलॉजिकल डिबेट करके मतलब है क्या? नहीं, तो वो बोलता है रीजन यूज करके लॉजिकली आप लोग डिबेट करने की कोशिश करो, उसके तो आपको समझ आएगा कि अ गुड पॉलिटिकल लाइफ मीन्स ऑल्सो अ गुड लाइफ। तो गुड लाइफ कैसा है कि आप लोग अगर ठीक से डिबेटेड मैनर में काम करो, हर एक चीज अच्छे करो, सब लोगों को साथ में लो, डेमोक्रेटिक मैनर में करो, ये उसकी डेफिनेशन होती थी। तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स वॉज सब पार्ट ऑफ फिलोसफी, मतलब फिलोसफी मेजर डोमेन था। ठीक है, तो कभी भी ऐसा बोला जाता है कि फिलोसफी इज फुल क्राफ्ट, पॉलिटिक्स इज अ स्टेट क्राफ्ट, कि फिलोसफी तो एंशियंट टाइम में हम लोग देखें तो क्या हो रहा था उस टाइम पे, फिलोसफी जो है वो डोमिनेट कर रही थी, बिकॉज लॉजिक की बात, डिबेट की बात, ये सब करना मतलब इसी की बात है, और पॉलिटिक्स इसका सब पार्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इन डिबेट वगैरह चल रहे, उसके बाद में आया मेडिवल टाइम। मेडिवल टाइम में क्या हुआ मैं आपको बता, रिलीजन बिकेम द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ये फिलोसफी तो डूब गई, और इसके जगह पे अब वापस से यहाँ पे रिलीजन बिकेम द मेन डोमिनेटिंग फोर्स, एंड इसके अंडर हम लोग पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहे थे। सो दिस बिकेम पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप्स मींस रिलीजियस स्टडीज, आपको लिख के दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो मेडिवल पीरियड में अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इवोल्यूशन दे रहे हैं, तो मेडिवल पीरियड में उसका एज अ रिलीजन, अंडर रिलीजन वॉज स्टडी। फिर मैं आपको बताया कौन है जिसने रिलीजन से बचा इसको, मैकियावेली। ओके, सो मैकियावेली आ रहा है, और उसने क्या बोला कि भाई रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग करो, और आज पॉलिटिक्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट डोमेन की तरफ पढ़ा जाए। ठीक है, तो मैकियावेली के टाइम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फिर ये पॉलिटिक्स के अंदर भी आप बहुत सारे अलग अलग सब ब्रांचेस वगैरह आते गए, वापस पॉलिटिक्स का डिक्लाइन हुआ, फिर उसको वापस उठाया गया। ओके, तो अब इधर इवन आप लोग बोलते हो जो मॉडर्न टाइम्स में, अर्लियर मॉडर्न टाइम्स जो है, तो उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने इस पॉलिटिक्स को स्टडी करना शुरू किया। दिस पॉलिटिक्स वॉज स्टडीड एज इंस्टीट्यूशन, मतलब सिर्फ क्या कहते थे लोग, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हमारे एग्जिस्टेंस में है उसके हिसाब से उसको स्टडी कर रहे थे, कि स्टडी ऑफ गवर्नमेंट बन गया सिर्फ, बट इनके ही थीरीज जो है या फिर पॉलिटिकल बिहेवियर ये वो सब कोई स्टडी नहीं कर पाता। तो इसलिए इस आगे आगे इसमें इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन के बाद में ये पॉलिटिक्स में बहुत सारे अलग अप्रोच आते हैं। तो बोलते हैं कि भी इसको जो लोग जो है जो वोट वगैरह करें उनका बिहेवियर स्टडी करो, तो बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस आता है। फिर वो ऐसे इसका कंटिन्यूस इवोल्यूशन चल रहा है, इस अलग अलग ब्रांचेस बनते हैं, ऐसे पॉलिटिक्स का पूरा का पूरा इवोल्यूशन हुआ है, ये थियरी का इवोल्यूशन हुआ है। तो दो चीज़ अपने को लगी, एक मतलब स्टेट, और दूसरा मतलब ये इवोल्यूशन कैसे इसका चलते रहा है। ठीक है, उसमें भी अगर हम लोग और ऐसा डी में जाके कि फिर ये पॉलिटिकल साइंस बारे में क्या बोले, तो कुछ लोग कितने आप लोग भी कर लो, मैंने को बता एंड्रू हेकर के एक थिंकर है, एंड्रू हेकर का बोलना है कि डिबेट इज ओके हार्ट, डिबेट लाइज एट हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। नहीं बोल सकते, आज भी तुम बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स जो है वो फिलोसॉफी के अंडर है, या पॉलिटिक्स जो है बहुत सारी चीज़ जो है वो रिलीजन से इंस्पायर करके उसकी हुई है, या आज उसको स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ना सही है गलत है बिहेवियरल है नहीं है, तो उसमें हर बार आपका डिबेट चल ही रहेगा। इसलिए इसको क्या बोला, इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज डिबेट लाइज द हार्ड सब्जेक्ट, एंड एवरी कंसेप्ट जितने भी हम लोगों ने पॉलिटिकल थियरी में जो कंसेप्ट देखे कौन कौन से जो मैं आपको लिखवा के दिए, जस्टिस, इक्वालिटी, यस, राइट्स, सो एवरी कंसेप्ट इज इसेंशियली डिबेटेड वन। There is no single definition of concept. Just according to you guys, okay? Definition will always differ. एक बंदा ये बोल, दूसरा बंदा वो बोल रहा है. Equality according to different people will be different thing. So debate lies at the heart of subject. Every concept is contested, and not just concepts are contested. The name of political science itself is contested. समझ आ रहा है? Concept पे तो contest हो सकता है, जो equality, justice. But इधर तो कोई मानने को भी कोई कोई बोलते हैं कि को political science बोल रहे हो तुम, को political philosophy बोल रहे हो, political theory बोल, ये पॉलिटिक्स बोलो, इसीलिए ये पॉलिटिकल साइंस का एकदम पूरा का सिग्निफिकेंस है। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंस नहीं, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट में से हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज मास्टर साइंस। व्हाई इट इज मास्टर साइंस? बिकॉज मास्टर स्टडीज इट। जिसको मास्टर कौन बनेगा आगे जाके, मास्टर का लिटिल मीनिंग मतलब जिसको रूलर बनाए, पॉलिटिक्स की स्टडी कौन करे जिसको आगे जाके रूल कराए, या पॉलिटिक्स का रिलेशन, हमने आज अपने जस्ट सिलेबस देखा, सिलेबस में आप देखा हम लोग इकोनॉमिक डोमेन में जाने वाले हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा हुआ है, क्या हुआ है, कौन से इकोनॉमिक ऑर्डर की हम लोग बांट करें, सोशल मूवमेंट में हम लोग जाने वाले, पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग जाने वाले, फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग जाने वाले। सो वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से एरिस्टोटल को बोलता है दिस इज मास्टर साइंस, और सिर्फ ये मास्टर साइंस है तो हर कोई इसको पढ़ने की कोशिश करे, और जो इसको पढ़ ले ओके तो उसको वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड अगर रूल करना है तो ईजिली कर सकता है,
इसमें से स्ट्रैटेजीज वगैरह आप लोग यूज करके भी आप में कहीं कोई पॉलिटिशियन सच चले जाए, हो सकता है, वी नेवर नो, या मैं खुद ही चले जाऊँ। ठीक है, बताते बताते इधर से सेटिंग लगाते लगाते धीरे धीरे पसंद किसको नहीं। आज तुम सब लोग जो है ऑफिसर बनना चाहते, कहीं ना कहीं तुमको पसंद है कि वो पावर वो अथॉरिटी जब तुमको मिलेगी तो अच्छा लगा। सोचो ये जो ऑफिसर्स बन रहे हैं इनके भी सर के ऊपर जाकर बैठ सकते हो, कितना मजा आएगा। यस, सो एवरीवन वांट्स दैट पावर, हर कोई उसकी उसके पीछे भागे गई इस सेंस, मतलब इतना ही हम लोग की कुछ भी बोले पावर के पीछे तो भागे, इसीलिए इसको मास्टर साइंस बोला जाता है। ठीक है, और बाकी इसको स्टडी करते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग स्टडी भी करे, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में आज इसको पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलते, ब्रिटेन आज भी इसको स्टडी ऑफ गवर्नेंस बोलते हैं, स्टडी ऑफ गवर्नेंस ब्रिटेन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल यूरोप में आज भी इसको पॉलिटिकल फिलोसॉफी बोलते हैं, उनका बोलना है कि फिलोसफी का पार्ट है। ओके, ये अमेरिका है जो इसको बोलता है कि दिस पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ऐसे इसके अलग अलग मीनिंग है, इसके अलग अलग एप्चर से अलग अलग टर्म्स है। तो हम लोग अभी आगे प्रोसीड करते समय पॉलिटिक्स में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पहले लेंगे, तो उस क्या होगा आपको ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का अगर आपको आइडिया गया तो उस आगे आप लोग फिर बाकी के कंसेप्ट जो है इनसे रिलेटेड सीख पाओ। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख लेंगे पॉलिटिकल साइंस का कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, और उसके बाद में मे बी अगले लेक्चर से कल के लेक्चर से हम लोग प्लेटो से स्टार्ट करेंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स क्या है और प्लेटो क्या बोल रहा है, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बाद मेकियावेली, हॉब्स, ये सब भी अपने कवर जाएंगे। तो हम लोग फिर अलग अलग अप्रोचेस, मीनिंग्स, राइट्स, जस्टिस, इन सब पे आएंगे। आर यू मी? ठीक है, जितने बोला वो समझ में आया, अगर नहीं समझ आया कुछ तो आप बिंदास पूछो। ठीक है, बाकी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो डालो व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। एंड ट्राई करना जैसे जैसे आपको इवन इनिशियल पीरियड में इंडेंटेशन कैसे करना है वो मैं आपको ऐसे बता। ठीक है, बाद में आप खुद ही उसकी हैबिट डालो कि इंडेंटेशन कैसे आप लोग प्रॉपर मेंटेन कर सको। इंडेंटेशन मतलब जब पॉइंट नंबर वन जब बोल रहा हूँ, ओके, तो मेरा एक फॉर्मेट फिक्स रहेगा यूजुअली। पॉइंट नंबर वन अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसमें ये हो गया, फिर जब मैं पॉइंट नंबर ए बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आप इसको इंडेंट करो यहाँ पे, फिर बी इसके नीचे आएगा, सी इस नीचे आएगा उस, और अगर मैं सब पॉइंट्स को जुटा रहा हूँ तो उसको और आगे इंडेंट करो, ये इंडेंटेशन मेंटेन किया थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा। और जितनी नीट एंड क्लीन अभी बनाओगे उतना तुमको भी बड़ा मजा आएगा। किसी को मल्टी कलर वगैरह यूज करना पसंद है, कोई थिंकर्स के नाम जो है वो अलग पेन के कलर से लिखता है, तो जो तुमको चाहिए वैसा करो, बट स्पीड मेरी मैच करते हो फिर। तो सबसे पहला थिंकर अपना है वो है मेटलैंड। मेटलैंड बोलता है, ओके, मेटलैंड बोलता है व्हेन आई सी द क्वेश्चन पेपर टाइटल्ड पॉलिटिकल साइंस, व्हेन आई सी क्वेश्चन पेपर टाइटल्ड पॉलिटिकल साइंस आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट टाइटल देन क्वेश्चंस। उसका क्वेश्चन ठीक है मैं आंसर देऊंगा, बट तुमने इसको पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला? आई डोंट टेक दिस पॉलिटिकल, आई वांट टू कॉल दिस पॉलिटिकल फिलोसफी और बी स्टडी ऑफ गवर्न। समझ आ रहा है? सो इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। मेटलैंड, मेटलैंड क्या बोल रहा है? तो देखो ये मेरे स्टूडेंट ही नोट है, उसने बना रखा है, उसने मेटलैंड जो थिंकर आ रहा है उसको अच्छा सा बॉक्स बना हुआ है ताकि एक बार फटाफट आइडेंटिफाई करे। फिर उसके लिए उसने नीचे ये मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके आगे और कोई थिंकर है उसका बॉक्स में है, तो इसे प्रॉपर अच्छा काम करोगे तो उनको भी जाएगा पढ़ में। मेटले इन्वर्टेड कुछ में वे आई लुक द क्वेश्चन पेपर टाइटल्ड पॉलिटिकल साइंस, आई लुक क्वेश्चन पेपर टाइटल्ड पॉलिटिकल साइंस कॉमा आई एम ट्रबल्ड टाइटल्ड पॉलिटिकल साइंस I am troubled with the title. I am troubled with the title rather than questions asked. Rather than questions asked. Next thinker, Andrew Hacker. Andrew Hacker. Andrew Hacker, उसके आगे सेमीकोलन लगा लिखो, he calls political science as most democratic subject of the world, most democratic subject of the world। अब इसमें most democratic को डबल अंडरलाइन करो बिकॉज उसका की पंचलाइन है।
मोस्ट डेमोक्रेटिक सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो, बिकॉज या फिर ऐसे कॉज में लिखो, उसने अपनी स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, अब इस लिख दो नीचे वाई, ठीक है, वाई में फिर फर्स्ट रीजन, बिकॉज डिसएग्रीमेंट लाइज द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, डिसएग्रीमेंट लाइज द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सेकेंड रीजन, ऑलमोस्ट ऑल कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, ऑलमोस्ट ऑल कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस आर इन्वर्टेड कोट्स में इसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट, इसेंशियली कंटेस्टेड, कंटेस्टेड मतलब डिबेट, कोई भी उस पर बोल नहीं सकता, ओके, इसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट, इन्वर्टेड कोट लिखा है ना, कंटेस्टेड कंसेप्ट को, and contest is not just on the subject, sorry, contest is not just on the concept, and contest is not just on the concepts but even on the nomenclature of the subject, but even on the nomenclature, नोमेनक्लेचर मतलब क्या, नाम देना, सब्जेक्ट को नाम दिया हमने, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन इट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ गवर्नेंस, इट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ गवर्नेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, सेकेंड एग्जाम्पल, इन कॉन्टिनेंटल यूरोप इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इन्वर्टेड कोट्स में लिखना, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, और जो फर्स्ट था स्टडी ऑफ गवर्नेंस उसको भी इन्वर्टेड कोट्स में डालो, अंडरलाइन करो, एंड इन यूएसए, एंड इन यूएसए it's called as political science, ठीक है, next अभी लिखो, next अभी heading है, okay, उसमें लिखो evolution of political science as a discipline, evolution of political science as a discipline, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पैराग्राफ से लिखो, वर्ड पॉलिटिक्स कम्स फ्रॉम, या पॉलिटिकल, द वर्ड पॉलिटिकल कम्स फ्रॉम, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड क्या, ग्रीक वर्ड पोलिस, इन्वर्टेड कोट लिखो, पोलिस, फुल स्टॉप, पोलिस मीन्स सिटी स्टेट, पोलिस मीन्स सिटी स्टेट, which are self-sufficient. Hence, full stop, hence, political science deals with all such activities which comes under city states, bracket mein likho, now modern states, therefore from the very beginning scope of political science has been very vast, scope of political science has been very vast and interdisciplinary in nature, and interdisciplinary in nature,
नेक्स्ट पेज पे, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे भी एरिस्टोटल स्टेटमेंट लिखना है आपको, जो मैंने बोला था ना आपको कि इज मास्टर साइंस वगैरह, तो वही अपने को लिखना भी एरिस्टोटल, हेडिंग डाल के एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज द मास्टर साइंस, कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज द मास्टर साइंस, और मास्टर साइंस को इन्वर्टेड कोट्स में डालो, अंडरलाइन करो। उसके नीचे लिखो वाई, वाई तो फर्स्ट रीजन है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय मास्टर्स हु रन द स्टेट, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय द मास्टर्स हु रन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, एंड सेकेंडली इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एवरीथिंग स्टडीड, एवरीथिंग इज स्टडीड अंडर इट। सो नाउ वी हैव ऑल्सो आवर सिलेबस बैक द स्टेटमेंट ऑफ हाउ इट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, वी हैव जस्ट सीन ओके हाउ वील हैव टू स्टडी हिस्ट्री, तो उसमें जस्ट कुछ ऐसे तो आप पूरा स्पेक्ट्रम बता रहे हो, ठीक, पॉलिटी भी उसमें आपका आने वाला है, एथिक्स में आपके सारे थिंकर्स विंकर्स आपके मैच होने वाले, इकोनॉमिक्स में कैसे इकोनॉमिक्स खिल रहा है, कैसे लोगों ने प्लानिंग डेवलपमेंट कर लिया है, कैसे आगे चलने वाले, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, सो इट्स ऑल शोज की एरिस्टोटल सही है, ठीक है। अब इवोल्यूशन लिखो, फर्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन, या को हम लोग एंशियंट फेज बोल सकते हैं, एंशियंट टाइम्स बोल सकते हैं, फर्स्ट फेज, साइड में उसको कोलन लगा के लिखो एंशियंट टाइम्स, तो इसमें लिखो इन दिस फेज पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनेटेड एज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, स्टॉप थ्रू आउट एंशियंट टाइम्स इट रिमेन्ड सब डिसिप्लिन ऑफ फिलोसॉफी, आई वॉन्ट थ्रू आउट एंशियंट टाइम्स इट रिमेन्ड सब डिसिप्लिन ऑफ फिलोसॉफी, बोला ना, ठीक है। ग्रीक थिंकर्स लाइक प्लेटो, ग्रीक थिंकर्स लाइक एक्चुअली प्लेटो पहले सॉक्रेटस लिखना चाहिए, सॉक्रेटस प्लेटो एरिस्टोटल, सॉक्रेटस प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये इनके शिष्य, ये इन शिष्य ऐसे, ओके सो क्या बोल रहा था मैं, लाइक प्लेटो सॉक्रेटस प्लेटो एरिस्टोटल डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड फिलोसफी, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ethics, philosophy and politics, ethics, philosophy and politics, according to Plato, question of good life and good political life is inseparable, question of good life and good political life are inseparable, theek hai, during this phase scope of political science was very vast as everything came
एज एवरीथिंग केम अंडर इट्स परव्यू, एज एवरीथिंग केम अंडर इट्स परव्यू। अब लिखो सेकंड फेज, नेक्स्ट लिखो सेकंड फेज, मेडिवल टाइम्स। अब मैंने तुमको जो लेफ्ट में जगह छोड़ने के लिए बता था, इस एंशियंट टाइम्स के लिए लिखो, वहां पे ऐसे छोटे 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 सिटी स्टेट्स बनो ताकि तुमको याद है अखबार देख के कि उस टाइम पे क्या था। सिटी स्टेट्स लिखा, एक नाम एथेंस लिख दो, एक का नाम स्पार्टा लिख दो, और तब सिटी स्टेट थे। स्टेट्स क्यों नहीं छोड़ रहे तुम? कमर आते ही बोला मैं तुमको, जो तुमको बता रहा हूँ उनको इन टोटल इंप्लीमेंट करो, जैसा बोला है वैसे ही करो, वरना तुम पछताओगे बाद में। मैंने बोला तुमको नोटबुक है अगर तुम्हारी, उसमें से 1/3 पेज छोड़ दिया करो, ओके। इसमें भी थोड़ी बहुत टॉप पे लाइन ही मारा तो भी छोड़ो, बॉटम पे लाइन मारा तो छोड़ दो, राइट में भी छोड़ दो। अब इसमें लिखते टाइम जब तुम लिख रहे हो तो ये बार है और चाह रहा है, इसमें लिख रहे हो। अब इधर मैं मुझे डायग्राम वगैरह बोल तो मैं वहाँ बोल दूंगा, तो अगली तुमको याद आ जाएगा ओके यहाँ पे सिटी स्टेट है, ओके। तो जस्ट ड्रॉ डायग्राम सिटी स्टेट, सो दो तीन स्टेट बना दो। सो वन वॉज एथेंस, वन वॉज स्पार्टा, और कोई स्टेट का नाम किसको याद है? तो ही याद है। एनीवेज एंड दीज आर व्हाट, दीज वर सिटी स्टेट्स, ठीक। अब मेडिवल पीरियड है, मेडिवल पीरियड का हम लिखेंगे तो उसके साइड में हम लोग क्या बना देंगे कि देयर वाज रोमन एम्पायर या फिर कॉन्फेडरेशन। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सही बोले, सही है, इसलिए कुछ एथिक्स पॉलिटिक्स वगैरह कुछ रेटी आई नहीं, फिलोसॉफी सब सामने आ रहा था। मेडिवल टाइम्स इधर क्या है, अभी रोमन एम्पायर कॉन्फेडरेशन है, और इस क्या हो रहा है? सो ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज चर्च वॉज मोस्ट डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, चर्च वॉज द मोस्ट डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन। देयरफॉर डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, देयरफॉर पॉलिटिकल साइंस बिकेम सब डिसिप्लिन ऑफ रीजन, देयरफॉर पॉलिटिकल साइंस बिकेम सब डिसिप्लिन ऑफ रीजन। इट वॉज स्टडीड एज पार्ट ऑफ स्कॉलेस्टिक्स, इट वॉज स्टडीड एज पार्ट ऑफ स्कॉलेस्टिक्स। स्कॉलेस्टिक्स का मीनिंग स्टडी ऑफ रीजन, ब्रैकेट में लो वहीं पे, या फिर आगे कहें तो दिस स्टडी ऑफ रीजन, रिलीजियस स्टडीज। कंट्रेशन बना दिए बाजू में। थर्ड फेज लिखो मॉडर्न फेज, थर्ड फेज दैट इज मॉडर्न फेज। इन दिस फेज मैकियली सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एंड रिलीजन। दो तीन बार लिंक्स बता दूंगा उसके बाद लोग ही लिखा। मैकियली सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एंड रिलीजन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स, हु एस्टैब्लिश्ड ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स as discipline. Next paragraph, as Machiavelli focused on statecraft, statecraft, okay. So statecraft meaning hota hai ki state ko ya fir desh ko एकदम आर्टिस्टिकली गवर्न करना, तो देश गवर्न करना भी एक स्किल होता है। सोल क्राफ्ट मतलब क्या, खुद को अच्छे से गवर्न करना। फिलोसॉफी में जब आप लोग जाते हो कि भाई क्या है जिंदगी में, तो हम लोग अभी कभी से किसी छोटी छोटी इसके लिए होते रहते हैं, या फिर अगेन कुछ लोग जो है अभी जिन्होंने पिछले साल अटेम्प्ट वगैरह दिया बट उनका अटेम्प्ट उनका नहीं क्लियर हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ मे बी 2-3 मार्क्स वगैरह, इसका मतलब ये क्या फिर हम आत्महत्या वगैरह करें? तो समझ के लेना कि ये एग्जाम से बढ़कर बहुत बड़ी लाइफ है, और ये प्रॉब्लम्स हर बार आते रहेंगे लाइफ में। हर बार आत्महत्या करते रहोगे क्या? वही एक ही बार करोगे। मुझे ये बोला है, या कुछ लोग जो होते हैं वो रोते रहते हैं, ब्रेकअप गया है और कुछ हो गया है, उस ले जिसको लेके बैठे हुए,
उसका भी मत नहीं बनता, क्या करें? तो स्टेट क्राफ्ट के साथ सोल क्राफ्ट चाहिए। सोल क्राफ्ट पहले को सिखा, उसके बाद गवर्नमेंट चलाना भी कार्ट, ओके। तो स्टेट क्राफ्ट जो है वहां से शुरू होता है। एनीवेज, एज मेकेवेली फोकस ऑन स्टेट क्राफ्ट, द कोर एरिया ऑफ स्टेट बिकेम स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फुल स्टॉप। ग्रेजुअली पॉलिटिकल साइंस स्टार्टेड टू स्टडी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। हेंस फुल स्टॉप। हेंस लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच बिकेम द डोमिनेंट अप्रोच। ठीक है, तो थर्ड फेज में क्या हुआ? पहले तो रिलीजन से अलग किया, उसके में क्या किया इन लोगों ने? स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को अंडरलाइन करो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। फिर स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस वगैरह हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लाना शुरू किया, और एज फिर लीगल डोमिनेंट अप्रोच। ओके, अब उसका अगला जो फेज है उसको हम बोलते हैं फोर्थ फेज। थर्ड फेज जो है उस बाजू में हम नेशन स्टेट लिखा, नेशन स्टेट्स बन दो चार, यूरोप बना के उसमें डिवाइड करो, जर्मनी इटली ये वो नेशन स्टेट्स बन दो, और स्टेट के चार एलिमेंट्स लिख दो वहां पे, कौन कौन सा है? कभी भी हर बार डेफिनेट टेरिटरी से स्टार्ट करो, डेफिनेट टेरिटरी, डेफिनेट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। मतलब उन लैंग्वेज कल्चर का स्टडी नहीं करते बैठे, बट उनको इंस्टीट्यूशन से मतलब था, अलग हो गए, बस इतना ध्यान में रखो। पॉलिटिकल साइंस वॉज डिफाइंड एज वर्ल्ड वॉर टू, पॉलिटिकल साइंस वॉज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, यस, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट, ऐसा लिखो, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट कॉमा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू देर वॉज इमर्जेंस ऑफ इन्वर्टेड कोट्समैन, there was emergence of behavioral approach, behavioral b capital, approach a capital, there was emergence of behavioral approach, political scientists under behavioral approach shifted focus from study of government state and institutions to politics as process, so invert quotes below. Behavioral political scientists wanted to make political science a pure science. ठीक है, नेक्स्ट अभी फिफ्थ फेज, दैट इज 1960s onwards. This is post behaviorism emerged, and it held that
पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी अ प्योर साइंस, पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी अ प्योर साइंस। फुल स्टॉप। एट द मोस्ट इट कैन बी एन अप्लाइड साइंस और पॉलिसी साइंस, एन अप्लाइड साइंस और पॉलिसी साइंस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, आज का लास्ट पैराग्राफ, इट इज सिंस 1960s, सिंस 1960s देयर इज राइज ऑफ, देयर इज राइज ऑफ अदर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस, अदर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस लाइक क्रिटिकल स्कूल, इनवर्टेड कोट्स और अंडरलाइन भी करो, लाइक क्रिटिकल स्कूल, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो अब मैंने अब थर्ड फेज तो बताया कि कैसे मैकियावेली ने उसको सेपरेट वगैरह किया, अब लोग फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज में क्या हुआ उसको थोड़ा सा देखते हैं। फोर्थ फेज, थर्ड फेज क्या हुआ, पहले तो मैकियावेली क्या किया, सेपरेट कर दिया, बराबर, किसको सेपरेट किया, स्टेट एंड रिलीजन को। ठीक है, तो उसने स्टेट को या पॉलिटिक्स को किससे सेपरेट कर दिया, रिलीजन और एथिक्स सेपरेट कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, दिस पॉलिटिकल साइंस स्टार्टेड एज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट, तो ऐसा ही फिर का फोकस क्या होता था, गवर्नमेंट कैसी है, इधर की गवर्नमेंट कैसी, उधर की गवर्नमेंट कैसी, इनके गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, उनके गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, बट लोगों ने उधर के दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वगैरह बना दिया। तो इन लोगों ने धीरे धीरे प्रोसेस पे एग्जैक्टली वोटिंग बिहेवियर कैसे है लोगों का, उसमें लोग कोई साइंटिफिक मेथड डाल सकते हैं कि ये जो जो क्या ऐसे ही हो रहा था, जैसे अभी आपको क्लियर नहीं होगा बट साइन और डनिंग जैसे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इन लोग क्या बोलते थे, इनका बोलना था कि बाबा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस समझना है तो आप इसको कैसे समझो, थ्रू हिस्ट्री समझो, तो वो हिस्ट्री पढ़ते बैठे, या फिर लियो स्ट्रॉस और बाकी जो थिंकर्स है वो क्या करते, उसको एज अ फिलोसॉफी पढ़ते बैठे, तो जो प्रैक्टिकल डे टू लाइफ के प्रॉब्लम है उसको उन लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उनको उन लोग सुधार नहीं था। और ये सबसे बड़ा दिमाग इसका ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या पॉलिटिकल थियरिस्ट का है। तो क्यों यहाँ पे, ओके, क्यों यहाँ पे पोस्ट या बिहेवियरिज्म वाला अप्रोच आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इन लोग कहाँ पे भी थे, दे वर बिजी स्टडिंग एज ओल्ड आइडियाज, पॉलिटिकल थियरिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो उधर से मुझे सब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मिल नहीं रहा, क्या हुआ, थक गया, नहीं तो फिर क्यों इधर मटर, सबका इधर ध्यान चाहिए। तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन के तौर पर चल रहा है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इसका कह रहा है उसका, ऐसा इतना पढ़ के आप छोड़ दिया, और जो डे टू लाइफ के प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल साइंस आंसर ही कर पा रहे। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा जगह पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे, ये सब चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। एंड इनफैक्ट सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस के थियरीज को हर्ट कब हुआ, ओके, जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन के सारे थिंकर्स को बुलाया गया। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी था तो सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया गया, और एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं तो उनको बुलाया गया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया, बट एक भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को नहीं बुलाया, ऑब्वियसली हर्ट हो गई। ठीक, तो उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्या हम लोगों ने किया कि हमको नहीं बुलाया गया, बाकी सब लोगों को, इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बुलाया गया, सोशियोलॉजी को बुलाया गया, बट वी वर नॉट इन्वाइटेड। उस टाइम इन लोगों ने सोल सर्चिंग स्टार्ट किया, एंड उसी टाइम पे और चीज़ होती वो कि अमेरिका जो है वो भी ग्लोबल पावर बन की कगार पे आ रहा था और ग्लोबल लीड ले रहा था, तो उन्होंने तो बिहेवियर अप्रोच स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि बाकी सारे जितने भी जो ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन है उन्होंने कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड्स अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, बट हम लोग आज भी साइंटिफिकली कोई बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस का होना, तुम बस बैठ गए और उसमें तुमने आइडिया वगैरह दे दिया, लोगों में गए क्या, तुमसे पूछा है क्या जस्टिस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुमको क्या लगा है, नहीं पूछ क्या, तो बोले कि अब अपने को प्योर साइंस बनाई पड़े, इन वर्ड ऑफ ओके लॉर्ड रायस। तो आपने 30 पिक्चर देखी, नहीं देखी, उसमें वो क्या बोलते हैं कि मैं सिर्फ तीन ही चीज़ों में विश्वास करती हूँ, क्या है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वैसे ही लॉर्ड रायस बोलता है व्हाट वी नीड इज ओनली फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, तुम सिर्फ अब फिलोसफिकल चीज़ें मत झाड़ते रहो, वैल्यूज वगैरह मत झाड़ते रहो, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करो। तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस में एक नया रिवोल्यूशन आया, और अब हम लोग बिहेवियर स्टडी करने लगे, जिसमें हम लोग ने मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह लगाना शुरू किया, वोटिंग बिहेवियर पर किया, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है ये वो देखते रहे, बट उससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस लोग बना गए, नेचुरल साइंस जैसे ह्यूमैनिटीज के साइंस नहीं हो सकता, जैसे मैं इसको नीचे फूंगा तो नीचे ही गिरेगा, मुझे तरपार मर आता है, एनीवेज तो नीचे ही रहेगा, ओके, बट ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं है, कोई भी किसी का नेचर पिक कर सकता है क्या, ये अभी ऐसा है या ऐसा है, अभी एकदम शांत है, सडनली उसका कुछ तो एकदम
घर से कोई भी खबाई है या और कुछ है या ब्रेकअप वगैरह हो गया उसका, सडनली एकदम चिड़े या चिड़ने लग जा चिड़ लग जाता है, समझ में आ रहा है। तो ह्यूमन नेचर जो है वो एकदम अलग ही, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसे कैसे ही चलेगा। या फिर आप लोगों ने घर पे यूपी किया होगा, आपको पापा से कुछ मांगना है, पैसे वैसे मांगने, क्या करोगे आप उधर? आप यूजली जाके देखो कि भाई सुबह के तुमको इतना पता है, तुम अब थियरी लेते हो उसमें, फैक्ट हो क्या नोट करते हो कि ये सुबह सुबह ये एकदम फ्रेश मूड में रहते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके आए, सुबह सुबह अगर मांगे तो पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। शाम को ऑफिस से आएंगे एकदम चिड़चिड़ा के, और अब अगर मांगने गए तो कुछ दे ना दे, समझ आ रहा है। तो अब हम लोग फिर वहां पे ऐसा सेंस लगाते ना, तो यूजली ये लोग ऐसा पिक करते, बट तुमको पता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुबह सुबह एक समय तो मांगने गए लेकिन सुबह सुबह कुछ प्रॉब्लम हुई। सो यू कैन नॉट जस्ट प्रेडिक्ट ह्यूमन नेचर, तो ऐसा उनका बोलना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यू आर बाय मेकिंग पॉलिटिकल साइंस एज अ प्योर साइंस यू आर रिड्यूसिंग रेलिवेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, इसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मतलब बाकी लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बड़ी, बहुत कुछ एक्सप्लेन कर। तो इसे फिर अब से जो नया अप्रोच स्टार्ट हुआ वो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म मतलब पोस्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म, दैट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक, उन्होंने बोला कि यस हमको फैक्ट भी चाहिए और कुछ वैल्यू भी चाहिए, तो हम दोनों का इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब एज ओल्ड आइडियाज भी पड़ी है प्लस साइंस भी बेसिस अपने को जाना है। वी जस्ट कैन नॉट से प्योरली कि इसको साइंस रहने दो या प्योरली इसको फिलोसॉफी करने दो, हमको इसको मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए इसको नाम दिया फिर पॉलिटिकल साइंस। साइंस का कुछ पार्ट लेकर और फिलोसॉफी पार्ट कुछ लेके आया, ऐसे पॉलिटिकल साइंस एग्जिस्टेंस आता है। तो अभी हम लोग जो अप्रोच यूज कर पढ़ने के लिए दैट्स पोस्ट बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म वाला अप्रोच यूज करें, जिस फैक्ट्स एज वेल एज वैल्यूज दोनों भी हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। आर यू विद मी? एक सेकंड, आर यू विद मी? ठीक है, अब इसी में और दो तीन फिलोसॉफिकल स्कूल जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें से एक क्रिटिकल स्कूल है जो क्या करता है वेल्थ स्टेट को क्रिटिसाइज करता है, वो आगे समझ में तुमको। पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसका सबसे फेमस थिंकर है माइकल फूको, जो तुम देखेंगे उसका बोला है कि नॉलेज इज पावर एंड पावर इज नॉलेज, देयर इज नॉलेज फॉर कनेक्शन, हूएवर हैज नॉलेज ओके विल बिकम पावरफुल एंड हूएवर हैज पावर विल ट्राई टू गेन द नॉलेज, विच इज वेरी मच ट्रू इन दिस कंटेम्पररी वर्ल्ड। क्यों? ये बड़े बड़े कंपनी जो है इनको तुमसे डेटा चाहिए, बिकॉज यू नो मोमेंट बिकम नॉलेजेबल विल हैव मोर पावर ओवर यू। ओके, तो ऐसा है उसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट वाला थिंकर है। इसका नॉलेज वाला एग्जाम्पल तो माइकल फूको को आगे देखेंगे, वो बोलती व्हेन यू ठीक है, उसने और एक चीज बोली कि पावर और नॉलेज का रिलेशन भी चेंज होता है, मतलब जो जिस फील्ड में नॉलेजेबल होगा वो सडनली पावर गेन करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू द लॉयर, सो ही हैज नॉलेज ऑफ लॉ, सो ही बिकम्स पावरफुल ओवर यू, बट वेदर दैट पर्सन वॉज डॉक्टर और एनी इंडस्ट्रियलिस्ट डजंट मैटर। व्हेन लॉयर वो बीमार हो जाएगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, डॉक्टर बिकम्स पावरफुल। ओके, तो ऐसे इसका कनेक्शन है। और स्कूल के बारे में पोस्ट कॉलोनियलिज्म, तो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर जो है इनका बोलना है कि जो भी तुम लोग बकवास कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, फिलोसॉफी है, फैक्ट है, इंस्टीट्यूशन है, ये है वो है, ये सब तुम्हारे यहाँ पे एप्लीकेबल है, हमारे यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज आवर सोसाइटी इज डिफरेंट। द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इज नॉट एप्लीकेबल टू अस बिकॉज इन इंडिया देयर इज स्टेट, बट एज वेल एज देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेज एंड विद दे आर ऑल्सो स्टेइंग मल्टीपल रेस मल्टीपल कास्ट, उसके बावजूद हमारे फिर प्रॉब्लम्स आ गए, हमारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे प्रॉब्लम्स सेम नहीं हो सकते, हमारे अंदर अलग अलग रीजन, तुम लोग ऑलमोस्ट होमोजीनियस सोसाइटीज, तुम्हारे आइडियाज हमारे पर इम्पोज मत करो, हम लोग अपने खुद की थीज स्टेट है वो खुद बनाएंगे। ठीक, उसमें से एक वन ऑफ आइडिया है एक ओवर डेवलप्ड स्टेट बोला जाता, तो आगे हम लोग हमजा अभी कर थिंक करें बोलता है कि इंडिया जो है उसमें स्टेट नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ पे स्टेट होता है बट हमारे ओवर डेवलप्ड स्टेट होता है, स्टेट है उसको एक्स्ट्रा पावर देकर रखी हुई है, यूएस एक स्टेट को कम पावर देकर रखी हुई है, वहाँ पे सिटीजंस को ज्यादा राइट ले हुए, यहाँ पे सिटीजंस को यूएस इतने राइट नहीं मिले हुए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारे यहाँ पे सेसेलिस्ट टेंडेंसीज है, कोई भी बोलता है कि हमको अलग देश बनाना है बीच में ही, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। आप पूछो, मतलब बिहेवियर स्टडी करना सिंपल, अगर हम लोग व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड व्हाट आर द बिहेवियर दैट दे स्टडी, दीज आर इलेक्टोरल बिहेवियर, दीज आर बिहेवियर्स रिगार्डिंग सम पॉलिसी, बिहेवियर रिगार्डिंग सर्टन इश्यूज, सो दैट बिहेवियर यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन इन साइंटिफिक मैनर, सो फॉर दैट ऑल्सो अप्लाइज मैथमेटिकल मॉडल्स और ये वो सब होता है। क्रिटिकल थिंकर में हबरमास कर एक थिंकर, तो अभी उसके लिए अभी इसके लिए बॉल होना बदर मत, बाद में लोग बहुत थिंकर आएंगे, थिंकर्स ही पढ़े सर। ठीक है, तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ, तो आज ने सिलेबस देखा, फिर एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंस कैसे स्टार्ट होता है वहाँ से देखा है, पोलिस स्टार्ट आया, मॉडर्न नेशन आया, जिसमें कॉन्फेडरेशन वगैरह बना, इवोल्यूशन हुआ, पहले फिलोसॉफी पढ़ा, उसको बाद में रिलीजन पढ़ा, बाद में अंडर इंस्टीट्यूशन पढ़ा, बाद में बिहेवियर पढ़ा, और अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ एक साथ तो पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा इवोल्यूशन हुआ है। अभी कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसे वेस्टर्न ग्रीक उस टाइम पे हुआ करता था,
तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली स्पार्टा में क्या कंडीशन थे, एथेंस में क्या कंडीशन थे। फिर उसके बाद प्लेटो कुछ मेजर मेजर कंसर्न था, तो प्लेटो को था आइडियल स्टेट बना। तो मैंने आपको बताया प्लेटो को आइडियल स्टेट क्यों बना था, बिकॉज उस टाइम पे एथेंस जो है स्पार्टा से हार गया, स्पार्टा से हार गया, किन कारणों की वजह से हारा, और उधर से अपने को देना है। फिर उसने अपने आइडियाज क्या दिए, ठीक है। और जिन लोगों ने आज रफ पेजेस अपना काम किया है, ओके, तो उन लोग भी नोटबुक अपनी अच्छे से बना लो। आज अभी आपके पास 2-3 घंटे है, उसमें पूरा काम कंप्लीट कर लो, आपके लेक्चर वो नहीं हो, बिकॉज अगर स्टार्ट से ही अपने नोट ठीक से मेंटेन नहीं किया, बाद में नहीं हो पाएंगे। ओके, अच्छे पेन से लिखो, 2-3 कर्व वगैरह के लिखना लिखो, जैसे करना करो, जितना अच्छा बनाओगे उतना उनको पढ़ने का होगा, उतना तुम्हारे अच्छा। ओके, यस, अटेंडेंस शीट नहीं, अभी तक किसी अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं किया, प्लीज करो। हाँ, कोई बुक नहीं पढ़नी है, अभी यही पढ़ के आओ। नहीं, अभी तुम्हारा जो जीएस चल रहा है वो पैरल करो, जीएस का जो सब्जेक्ट तुम कर रहे हो। दूसरा काम तुम्हारा वो है न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, आई डोंट थिंक इसके बाद में तुम्हारे पास कोई टाइम बचा है। कल आते टाइम में जो हमने लिखा है वो अच्छे से पढ़ गया ना, बिकॉज ऑब्वियसली कल से ही हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तुमको भी पता है क्वेश्चन किस पे पूछने वाला, किस पे होगा, उसी पे आप आंसर लिखना है। ओके, बट मे बी कल जब हम प्लेटो पढ़ेंगे तो उसका बहुत कुछ हो जाएगा, तो अगली बार के लिए तो बड़ा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओके, कोई डाउट है तो बिंदास आके यहाँ पे।